दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर सावन में भोलेनाथ को किस प्रकार प्रसन्न करें ताकि मेरी हर एक परेशानी जल्द से जल्द दूर हो जाए। दोस्तों, लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं? पूजा अर्चना करने, ताकि भगवान जी हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। एक विश्वास के साथ हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जिंदगी में कष्ट और परेशानी तो सभी को आते हैं, लेकिन हमें इतनी शक्ति दे कि हम वह सारी परेशानियों को हल निकाल सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आखिर इस सावन के महीने में भोलेनाथ को क्या अर्पित करें जिससे भगवान शिव हमसे खुश हो जाए और हम सभी पर अपना कृपा बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों, भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन 14 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है। सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ेगा। इस पूरे माह में भगवान महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि महादेव सिर्फ जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सावन का पवित्र महीना ऐसा है जहां भगवान शिव को कई प्रकार के अनाज अर्पित करने का महत्व और लाभ है। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्टों का नाश कर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए दोस्तों, उस अनाजों के बारे में जानते हैं कि वे पांच कौन सा अनाज है जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए उस अनाजों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहला है अक्षत। सावन के महीनों में शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। एक मुट्ठी चावल शिव को चढ़ाने से लोगों की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि आपका धन कहीं फंसा है तो जल्द से जल्द आपको वापस मिल जाएगा। ध्यान रहे कि चावल टूटे हुए न हो। अब दूसरा है काला तिल। मान्यता है कि जो लोग भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाते हैं उनके जीवन से सभी प्रकार के कलेश समाप्त हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रहते हैं, अचानक आने वाली तकलीफों से भी राहत मिलती है। तो दोस्तों, तीसरा है अरहर दाल। सावन के पूरे माह शिव को अरहर दाल अर्पित करें। इससे भक्तों के जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। इसके अलावा दुखों से भी राहत मिलती है। चौथा है मूंग। अगर आपके कोई विशेष काम में बाधा आ रही है तो भोलेनाथ को एक मुट्ठी मूंग अर्पित करें। ऐसा करने से प्रभु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मन इच्छा फल देते हैं। अगर आप पूरे माह न कर सकते हैं तो सावन के सोमवार में भी ये उपाय कर सकते हैं। पांचवा है जौ गेहूं। शिवलिंग पर जौ अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, वही गेहूं चढ़ाने से संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। दोस्तों, इस सावन में ये उपाय आप जरूर करके देखें। भगवान शिव आपकी हर एक मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेगी। भगवान शिव की कृपा हमेशा आप लोगों पे बनी रहे।